हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से कुछ सेकंड में कैसे करते हैं। तो दोस्तों, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर सीखने से पहले हमको 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना आना चाहिए। तो सबसे पहले एक 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम बता देते हैं, जो 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने में हमारे बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता था, किसी भी नंबर को हम 2 डिजिट में रख लेते थे। तो ये होगा 2 2 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4। तो इसको हम 2 डिजिट में रखने के लिए आगे 0 लगा देंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 1 1। तो इसको 2 डिजिट में रखने के लिए तो हमें इसके पहले 0 लगा लेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो 1 2 2 2 4 सभी को हमने 2 डिजिट में रख दिया है। तो इसकी 1 डिजिट को अगले वाले में ऐड कर लेंगे और इसकी 1 डिजिट को अगले वाले में ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाता था 4 और ये 4 में 0 का ऐड करेंगे 4 और 1 में 0 का ऐड करेंगे 1। तो इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 12 144 होता है। तो 3 डिजिट का नंबर भी लगभग इसके ही जैसा है, पर थोड़ा सा अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 112 का स्क्वायर करते हैं। तो इसमें भी इसमें अंतर इतना है, इसमें पहले इसको 2 डिजिट मान लेंगे, इसको इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144। तो 44 के यहां रखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में रखेंगे किसी भी नंबर को। तो 44 के यहां रखेंगे, फिर यहां इसको 1 को ऊपर रख देंगे, लिख देंगे। तो 144 और इसका एक कारण है। तो फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का होता है 1 1 1। तो इसको 0 1 2 डिजिट में रखेंगे, फिर 12 को पूरा मानेंगे। 12 1 12 12 2 24। तो 24 हम इसको भी 2 डिजिट में रख दिया है। तो ये हो गया 4 4 4 1। 4 को 1 में ऐड करेंगे 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1। फिर 113 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 113 का स्क्वायर करने के लिए इसको 2 डिजिट में, इसको 2 डिजिट वाला इसको एक जगह कर लेंगे और इसको 1। तो इसको 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 69 को इधर रख लेंगे 2 डिजिट में और 1 को यहां लिख देंगे। फिर इसके बाद होता है 1 का स्क्वायर होता है 1। तो इसको 01 2 डिजिट में रखेंगे, फिर 13 का स्क्वायर 1 के साथ, 13 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ। 13 1 13 13 2 26। तो हमने लिख दिया 26। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, यहां 9 है, इसको 6 लिख लेंगे, 6 1 7 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1। फिर इसके अलावा 14 का स्क्वायर 114 सॉरी। तो फिर इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको एक इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले 14 का, फिर 1 का। तो ये होता है 1 का 01 हो जाएगा और 14 का होता है 196। तो 96 को यहां लिखेंगे, 196 को और 1 को यहां लिख लेंगे। फिर 14 का 1 के साथ जो आएगा उसका 2 के साथ। तो 14 1 14 14 2 28। तो ये हो गया 28। फिर इसको 6 है, ये 9 है, 8 1 9 है, ये 10 है, ये 1 है। तो 114 का स्क्वायर 12996 होता है। फिर इसी तरीके से इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब अगर 14 का स्क्वायर करना हो, 140 का स्क्वायर करना हो, 40 का, तो ये हो गया, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो यहां जो 0 है 2 डिजिट में रखेंगे यहां, और यहां जो 16 है उसको ऊपर लिख देंगे। और फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 01 लिखेंगे 2 डिजिट में रखने के लिए, फिर
40 का मल्टीप्लाई 1 के साथ जो आएगा उसका 2 के साथ, 41 जा 40, 42 जा 80, तो हमने यहां लिख दिया। तो इसको हम यहां 0 यहां 0, इसको फिर 6 लिखेंगे, 819 हो गया, ये 1, तो ये हो गया 19600। इसी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर हम 150 का निकालना चाहें तो पहले इसका स्क्वायर लेंगे फिर इसका, तो फिर 50 का स्क्वायर होता है, 2500। तो इसको जो 4 डिजिट में आया, तो 2 डिजिट को हम यहां लिख लेंगे, जो 2 डिजिट बचा हुआ है इसको हम यहां ऊपर लिख लेंगे, फिर ये जो 1 है इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसको 2 डिजिट में रखने के लिए 01 लिखेंगे, और फिर ये 50 है, 50 का 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, 51 या 50, 52 या 100, तो 100, तो यहां 100 ये 2 डिजिट में रखना है, 100 में 3 डिजिट होता है 0 को, हमने यहां रख लिया जो 1 है 1 को इसको ऊपर यहां, ठीक है। तो फिर जैसे यहां 2 डिजिट 4 डिजिट आया था, 2 डिजिट को हमने यहां रखा और अगले 2 डिजिट को हमने यहां रख दिया, इसमें 3 डिजिट आया 100 में, तो 2 डिजिट को हमने यहां रखा, अगले 1 डिजिट को हमने अगले कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले के लिए, तो फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, 00 इसको 5 है, ये हो गया 2, ये हो गया 112, ये हो गया 22500। इसके अलावा अगर हमें 169 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हमें सबसे पहले 69 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 1 का, फिर तो 1 का होता है 11 जा 1 होता है, तो उसको 2 डिजिट में रखने के लिए 01 लिख दिया, फिर 69 का स्क्वायर, तो 69 का स्क्वायर हमने इसलिए बोला इसको इसका स्क्वायर 1 डिजिट वाले मेथड से, 2 डिजिट वाले मेथड से निकाल लेंगे, 99 जा 81 होता है, 66 जा 36 होता है, 69 जा 54, 542 जा 108, तो 108, तो ये हो गया इसका एक डिजिट इसके साथ, ये 1 हो गया, 88 16 1 बचा हुआ है, 10 6 16 1 जो कैरी है 17, और 17 में 1 कैरी, फिर 314, तो 4761, तो इसमें जो 4 डिजिट में आया था 61 को पहले हम यहां लिख लेंगे और 47 को हम यहां लिख लेंगे, और फिर 69 का मल्टीप्लाई 1 के साथ जो आएगा उसका 2 के साथ, तो 69 1 जा 69 69 2 जा 120 20 30 138, तो हो गया 138 में 38 को हम यहां 2 डिजिट में रखेंगे, जो 1 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड अगले में हम कर देंगे, तो ये हो गया, एक 1 है, एक 6 है, 8 और 7 15, 1 बचा हुआ है, 437 और कैरी 1, ये हो गया 8112, तो ये हो गया 28561। फिर इसके अलावा लास्ट नंबर बचा हुआ है, अगर 178 का स्क्वायर करना हो तो सबसे आसान आइडिया, इसको 2 डिजिट में 2 डिजिट वाला को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका अलग करेंगे स्क्वायर, तो 78 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 का, तो 1 का होता है 111, तो इसको 01 में लिखेंगे, फिर 78 का स्क्वायर अगर नहीं आता तो 2 डिजिट वाले मेथड से हम निकाल लेंगे, 88 जा 64, 77 जा 49, 78 जा 56, 56 2 जा 112, तो इसके इसको इससे ऐड करेंगे, 8 लिख लेंगे, 628 हो गया, और ये 11 9 20 20 0 0 2 बचा हुआ है, और 4 और 2 6 4 2 6, तो यहां 4 डिजिट आया है, 88 को हम यहां लिख लेंगे, फिर 60 को हम
ऊपर लिख लेंगे और 71 को 71 के साथ वन के साथ मल्टीप्लाई, 78 को वन के साथ मल्टीप्लाई, उस फिर उसका टू के साथ मल्टीप्लाई, तो वो 78 वन या 78, फिर 78 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 115, 156 होता है, तो 56 टू डिजिट में रखना है, तो 56 को हम यहाँ रखेंगे, जो 156 को यहाँ रख दिया टू डिजिट वाला, वन जो बचा हुआ इसको अगले में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो फिर इसको आसानी से हम ये होगा 88, ये 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 5 में 6 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, कैरी 1 बचा हुआ है और ये 1 1 2 1 3, तो ये होगा 31 688, 64 ये हो गया, तो ये हो गया 4 4 8 16 64। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।